जल्दी से बताइए भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, फटाफट से बताइएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। ओलंपिक पे क्लास कब आएगी भाई? संडे तक आपको क्लास मिल जाएगी, संडे तक आपको क्लास मिल जाएगी ओलंपिक्स पे। अभिनव जी हेलो, हेलो पल्लवी जी हेलो, जल्दी से ज्वाइन करो भाई सेशन, एकदम धीरे धीरे आते हो तुम लोग भी, है ना। आज हम लोग देखने वाले सीजीएल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या मतलब है, ये सारे क्वेश्चन उन टॉपिक के ऊपर बेस है, उन चीजों के ऊपर बेस है जो अभी करंट सीजीएल में हमको देखने को मिले। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या हो गया भाई इसको, ये लाइव क्यों नहीं दिखा रहा? हाँ अभी लाइव चल रहा है, यस अभी लाइव आ रहा है, ठीक है। वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए फटाफट सेशन ज्वाइन करें, शेयर करें जल्दी से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। राम राम जी, राम राम झारखंड से, ओके ठीक है। तो आज का सेशन हम लोगों का सीजीएल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर रहने वाला है। आज का सेशन थोड़ा छोटा रहने वाला है, लेकिन कल भी हम एक सेशन रखेंगे, कल का सेशन थोड़ा लंबा रखते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट अवार्डेड देख लेते हैं, करंट अफेयर का सेशन और थोड़ा बहुत हम लोग स्टैटिक जीके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन चीजों को कवर करेंगे कल वाले सेशन में। आज हम लोग देखने वाले, नमस्ते जी नमस्ते, आज हम लोग देखने वाले कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि पहले वाले शिफ्ट में जो पूछा गया है, नो डाउट हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिला है कि पहला शिफ्ट क्या कह रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बरेली से जय श्री राम सर, नमस्ते जी नमस्ते। ज्वाइन करिए फटाफट, शेयर करो वीडियो को जल्दी से। चलिए साउंड थोड़ा स्लो आ रहा है, साउंड स्लो आ रहा है, एक मिनट जरा यार। साउंड मुझे ऐसा लगता है सही आता है साउंड, आप लोग कहते हैं मुझे, मैं बाद में वीडियो सुनता हूँ, ठीक ठाक साउंड लगता है मुझे उस वक्त। चल जय श्री राम। करंट अफेयर क्या करें भाई, कोशिश करूंगा कल वाले सेशन में थोड़ा बहुत चीजें मैं इंक्लूड करूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं, आज क्या क्या हम लोग इंपॉर्टेंट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट से देखते हैं, पहले सवाल पे जल्दी से आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आर्ट एंड कल्चर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या होगा, जवाब जल्दी से आंसर करो। देखो आप लोगों का पेपर है दो चार दिन में, अब आप लोग आंसर करके बताए कितना सही आंसर कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइएगा। चलो फटाफट से एक बार आंसर करो। चलिए बहुत बढ़िया, एक सेकंड के लिए मुझे स्लाइड बंद करनी पड़ेगी, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट, एक मिनट दो। ए आंसर है, स्किप कह रहा है दिवेश, स्किप करने वाला नहीं है सर सवाल, मैं बता दूंगा जहां पर ऐसा लगेगा कि ये सवाल स्किप किया जा सकता है। पहली स्लाइड मिस हो गई है, ओके चलो। तो पहले क्वेश्चन का ऑलमोस्ट सारे लोग आंसर कर रहे हैं कि ए करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल जी पहले क्वेश्चन का आंसर पलवा डायनेस्टी एकदम सही है, पलवा डायनेस्टी एकदम सही है। अच्छा यहां पर अगर मैं पूछूं रथ टेम्पल तो भी आंसर यही रहने वाला है, रथ टेम्पल के ऊपर लेके जाऊं। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं मामलापुरम, चलिए भाई ये सवाल भी मैंने देखा था, मामलापुरम किसे भाई, महाबलीपुरम को ही बोला जाता है, कई बार थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। कहां पर है आप मुझे जल्दी से बताइए, कई बार स्टेट पूछा गया है, महाबलीपुरम किस राज्य में है, राज्य पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, स्टेट पूछा जाए तो आंसर क्या रहने वाला है, आंसर करो जल्दी से। हाँ भाई पांच रथ बिल्कुल करेक्ट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है सर, बिल्कुल ये भी पॉइंट एकदम सही है। अब आपको बताने कौन सा स्टेट, तो आंसर होगा तमिलनाडु। कई बार क्वेश्चन हमें बहुत आसान दिखते हैं, क्वेश्चन बड़े आसान दिखते हैं लेकिन करना क्या हो तो ये नहीं कर पाते हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेद। ऋग्वेद में बहुत सारे देखते हैं, कहीं अग्नि देवता को पूछा गया है, पशुपति को पूछा गया है, विष्णु को पूछा गया है, इंदिरा को पूछा गया है, लेकिन जब क्वेश्चन आया है कि मोस्ट प्रोमिनेंट बताना है, ठीक है, सबसे बेहतर इनमें से कौन सा, चलिए सी आंसर है पशुपति आ रहा है बहुत सारे लोगों का, ए होगा, काफी लोग ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर और इनसे सवाल काफी बन रहे हैं, ए होगा, तो जितने लोगों का आंसर सी गया है तो आंसर होगा गलत,
करेक्ट आंसर क्या रहेगा सर? करेक्ट आंसर हम लोगों का इंदिरा रहेगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इंदिरा। दूसरा सवाल यहां से क्या बनता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्टिस किसको बोला गया है? डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, किलों को तहस नहस करने वाला कौन है? तो इंद्र देवता होगा भाई, इंद्र। यहां पे याद कर लीजिएगा। ये सवाल भी मैं, ये जो क्वेश्चन मैं लगातार लेके आ रहा हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रीवियसली आ चुके हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके एडिशन किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी किन दो नदियों पर सिचुएटेड है? चलिए भाई एक और बेहतरीन सवाल, तक्षशिला यूनिवर्सिटी आर लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स? चलिए आंसर करिएगा फटाफट से। इंडस झेलम है, झेलम रावी है, ब्यास इंडस है, सतलज इंडस है, करेक्ट आंसर बताइए। चलिए ए आंसर आ रहा है अगेन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ऐसे लेके चल रहा हूं कि ज्यादा एक बार क्वेश्चन टच करा दूं, ठीक है, वरना इनके बारे में डिटेल हम काफी चीजें कर चुके हैं। ए आंसर, ऑलमोस्ट सारे लोग ए आंसर कह रहे हैं और जो भी बच्चा डी पर जा रहा है गलत होगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। अच्छा जनरली जो CHSL और CGL के बारे में बात करें, रिवर से उसका ओरिजिन पूछा जा रहा है, ठीक है, जल्दी से मुझे बताएं इंडस रिवर का ओरिजिन क्या है, झेलम का ओरिजिन क्या है? सर जल्दी से दो का ओरिजिन बता दीजिए। अगर मैं इंडस नदी के बारे में बात करता हूं तो भैया क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। इंडस रिवर का अगर मैं ओरिजिन के बारे में बात करता हूं तो कहां से ओरिजिन होगा? चलिए भाई काफी लोग कह रहे हैं मानसरोवर, लो भाई मानसरोवर पे लगा दिया। क्या मुझे कोई एग्जैक्ट बता सकता है कहां से, एग्जैक्ट बच्चा कोई बता सकता है एग्जैक्ट कहां से आती है? मानसरोवर लेक तो एक थोड़ा सा वेग है, लेमेन लैंग्वेज है, कोई बता सकता है? चलिए कमेंट का वेट करूंगा भाई, एग्जैक्ट कौन बच्चा बताएगा। और झेलम का हम बात करें तो भैया करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरेनाग होगा, वेरेनाग या शेषनाग लेक। चलिए आपका ना 2 दिन के अंदर पेपर है तो जल्दी जल्दी से आंसर करो, जल्दी जल्दी से आंसर किया करो, ठीक है। चलिए भाई ऑप्शन में आंसर, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज धामेक स्तूप लोकेटेड? चलिए एक और बेहतरीन सवाल, जल्दी से बताना है भाई धामेक स्तूप किस सिटी में सिचुएटेड है, आंसर करिए फटाफट से आंसर करो। चीमा युंगडुंग ग्लेशियर नहीं होगा भाई, सही। चलिए फटाफट से बताओ, सी आंसर आ रहा है, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बनारस सी होगा, बिल्कुल सही है बिल्कुल सही। यहाँ पे करेक्ट आंसर आप लोगों का सी रहने वाला है, वाराणसी यूपी रहने वाला है। अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट में इसलिए करा रहा हूँ कि स्टैटिक है, डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने आता है। अच्छा एक ना क्वीन वाला क्वेश्चन पहले CHSL में आ चुका है, एक और सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। विच क्वीन ऑफ द ककटिया डायनेस्टी रूल्ड ओवर वरेंगल मॉडर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के मॉडर्न पार्ट के ऊपर ककटिया डायनेस्टी की क्वीन रही है, तो करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। अच्छा अभी थोड़े दिन पहले भोपाल की रानी के ऊपर आया था, अब क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं और वो भी प्रीवियसली था और ये भी प्रीवियसली है। चलिए बी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चीमा युंगडुंग कह रहे हैं वेरी गुड, चलते रहो भाई। रक्षताल सतलज से क्या होगा फिर? चलिए ए होगा, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट आंसर ए रहेगा भाई। थोड़ा सा ना याद करके चलो, ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल स्टैटिक हैं, इनको आपको थ्योरी में नहीं पढ़ाया जाता पर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ऑल सोल्स डे इज डैश फेस्टिवल, किसका फेस्टिवल है? चलिए भाई एक और जबरदस्त सवाल आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन आ गया, ऑल सोल डे इज अ फेस्टिवल ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म क्रिश्चियन और मुस्लिम। चलिए कोशिश कर रहा हूं मैं कि बढ़िया सवाल हम लोग करें जो पेपर में फंस जाए किस तरीके से। चलिए महावीर का आंसर है क्रिश्चियन, बाकी लोग आंसर करते हैं सर। चलिए ए आंसर बुद्धिज्म की तरफ जा रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी लोग बुद्धिज्म को कर रहे हैं ट्राई, वेरी गुड गौरव, सही जा रहे हो। चलिए तो जिन जिन लोगों ने बुद्धिज्म के ऊपर लगाया सर, आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि करेक्ट आंसर बुद्धिज्म नहीं रहने वाला, क्रिश्चियन करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। क्या याद रखेंगे? क्रिश्चियन करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑल सोल डे मतलब उन आत्माओं को, उन लोगों को याद करने का दिवस मनाया गया जो लड़ाई में किसी तरीके से शहीद हुए हैं, उन लोगों के लिए मनाए गए थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है सत्तुगाय, ये साइट किस कंट्री में है? चलिए बढ़िया सवाल, आजकल हम लोग देख रहे हैं पड़ोसी देशों से सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर करेगा। चलिए क्वेश्चन है,
शत्रुघाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है किस कंट्री में है? काफी लोगों ने ये सवाल पहली बार देखा होगा। चलिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारे मिक्स आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई मुझे ऐसा लगता है कि दमदार सवाल है और इनसे क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, बी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, मिक्स आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हम लोग अफगानिस्तान करेंगे। अच्छा, कोशिश करेंगे कल बहुत सारे सवाल करें और जो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन सवालों को याद से करें। ठीक है, चलिए, अफगानिस्तान करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा। चलिए जी, अगला सवाल देख लेते हैं। गंधारा आर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इस बार भी क्वेश्चन आया था, द्रेविडियन स्टाइल से क्वेश्चन पूछा गया था। अब सवाल आ रहा है, गंधारा जो आर्ट है किसका कॉम्बिनेशन है? इंडो रोमन का है, इंडो ग्रीक का है, इंडो इस्लामिक का है, इंडो चाइना का है। चलिए जी, करेक्ट आंसर बताइए क्या रहने वाला है करेक्ट आंसर फटाफट से। बी आंसर काफी लोग कर रहे हैं, इंडो ग्रीक। अच्छा, यहां पे सर दो तीन तरीके के सवाल बन सकते हैं, दो तीन तरीके के सवाल बन सकते हैं, कैसे? चलिए, पहला करेक्ट आंसर इंडो ग्रीक, चल मैं लगा दिया। चलो, गंधारा आर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो भारत में किस डायनेस्टी के अंदर गंधारा आर्ट एक फ्लरिश्ड आर्ट बना था, मतलब फैला गया था किस आर्ट में? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा कुशांस। कुशांस के समय में गंधारा आर्ट काफी फैला गया था। और अगर हम रूलर की बात करें तो भैया कनिष्का होगा। ठीक है, कनिष्का होगा, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। कनिष्का रूलर के समय में गंधारा आर्ट काफी फ्लरिश किया था, ये भी आप याद रख लेना है। ठीक है, बोकर छा एकदम सही है। ठीक है, तो याद रखें कुशांस के टाइम में हुआ था। और गंधारा आर्ट की एक और खास बात है कि इस आर्ट के अंदर बुद्धा की पहली बार ह्यूमन प्रतिभा यानी एक इमेज जो बनाई गई थी यहां पर पूजी या यहां पर लोगों ने देखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द ऑथर ऑफ मेघदूत? आसान सवाल, मेघदूत का ऑथर कौन है? फटाफट से बताओ, मेघदूत का ऑथर कौन है? बिल्कुल आसान है भाई, एक भी बच्चा गलत नहीं करेगा इस सवाल को। मेघदूत का ऑथर आपको बताना है, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सी आ रहा है आंसर, वेरी गुड। बी भी आ रहा है भाई, लोग जो बी कर रहे हैं बिल्कुल ही गलत जा रहे हैं। ठीक है, बी बी नहीं रहने वाला है, करेक्ट आंसर हम लोगों क्या रहेगा? सी रहेगा। ठीक है, ये आसान सवाल है सर, ये आसान सवाल है, आर्ट एंड कल्चर के बहुत ज्यादा रिपीटिव सवाल है। चलिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की है? आंसर करिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की है? चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्का, धर्मपाला, पुलकेशिन सेकंड, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? चलिए जल्दी से बताइएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, धर्मपाला आंसर एकदम आ रहा है, धर्मपाला एकदम से सही जा रहे हो। ठीक है, चलिए बहुत सही। अच्छा, धर्मपाला सही है सर, नो डाउट धर्मपाला सही है। अब मुझे ये बता दो कि धर्मपाला वाला पॉइंट सही है, अब मुझे बताओ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला कौन था, इसको तोड़ने वाला कौन था, ये भी आंसर बता दो। हु डिस्ट्रॉयड, बिल्कुल प्रशांत आ गया सर सवाल, हु डिस्ट्रॉयड। चलिए जल्दी से बताइएगा, बख्तियार खिलजी एकदम सही, बख्तियार याद रख लीजिएगा, बख्तियार खिलजी, ये सवाल बहुत बढ़िया है और काफी बार रिपीट हो चुका, काफी बार रिपीट हो चुका है, तो याद रखिएगा धर्मपाला करेक्ट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोलकिया टेम्पल एट दिलवारा आर सिचुएटेड एट, बताइएगा सर। चलिए जल्दी से बताइएगा, चोलकिया का टेम्पल जैन टेम्पल है, दिलवारा के अंदर कहां पर सिचुएट, मतलब कहां पर है ये? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा चलिए, ऑलमोस्ट सारे बच्चे कह रहे राजस्थान, करेक्ट है राजस्थान एकदम करेक्ट है। अगर मैं ऐसे लेके चलता हूं, यह पूरी अरावली की रेंज, अरावली की रेंज है, यहां पर दिलवारा का जैन टेम्पल है, दिलवारा का जैन टेम्पल है, इसी के बराबर में एक ऊंची चोटी है जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी नाम क्या होगा जल्दी से बताइएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू, करेक्ट है। चलिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा अरावली की सबसे ऊंची? तो भैया करेक्ट आंसर गुरु शिखर रहेगा, गुरु शिखर रहेगा, ये भी याद रख लीजिएगा पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जो कल पेपर में आया था सवाल वो यही तो सवाल आया था, विच इज रिप्रेजेंटेड एज द्रविड़िया स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। और जो बच्चे मुझसे पूछते हैं सर प्रीवियसली के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ये 2017 का सीजीएल का सवाल है। चलिए क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, यही करेक्ट आंसर क्या रहेगा? चलिए, ये कल के पेपर में देखने को मिला था, कल के पेपर में देखने को मिला, करेक्ट आंसर डी रहेगा। ठीक है, तो भाई मान के चलिए, ऐसा नहीं कि प्रीवियसली से नहीं आ रहे हैं सवाल, ये जितने सवाल मैं करवा रहा हूं मान के चलेंगे,
ठीक है, मान के चलेंगे भाई पेपर में कोई ना कोई तो हमको फंसेगा। चलिए अगला सवाल, हु कंस्ट्रक्टेड द खजुराहो टेम्पल। अच्छा ये सवाल आ चुका है कि खजुराहो टेम्पल कहां पर है, ये सवाल भी आ चुका है, जल्दी से तो हाँ या ना फटाफट से बताएगा। खजुराहो टेम्पल यहां पे चंदेला होगा। चलिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ठीक है चलिए करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल चंदेला रूलर करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा कई बार ये सवाल भी देखा है, खजुराहो टेम्पल किन के लिए है भाई, तो भैया हिंदू जैन और बुद्धिज्म तीनों देखे गए, ठीक है तीनों देखे गए, याद रख लीजिएगा किन के लिए, इन तीनों के लिए। ठीक है सर भगवान आपकी आत्मा को संभाई, मुझे क्यों मारने पे लगे पड़े हो। चल अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेयर इज द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर ऑफ द टेम्पल। आपको बताना है सबसे लंबा कॉरिडोर, सबसे लंबा गलियारा किस टेम्पल का है, फटाफट से आंसर करिएगा। सबसे लंबा गलियारा किस टेम्पल का होगा, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, चलिए जल्दी से आंसर करते हैं। मदुरा है, बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए डी पर काफी लोग लगा रहे हैं, रामेश्वरम एकदम सही है, चलिए डी आंसर एकदम सही। ए भी लगा रहे हैं कई लोग, भाई करेक्ट आंसर डी रहेगा। अच्छा एक पेपर के अंदर मैंने सवाल देखा, रामेश्वर टेम्पल किस भगवान का, किस लॉर्ड का टेम्पल है, किस भगवान का टेम्पल है, जल्दी से बताइएगा। रामेश्वरम किस भगवान का टेम्पल है, आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट से बताइएगा किस भगवान का टेम्पल है, जल्दी से बताइएगा। और भाई सेशन में अगर मजा आता है तो लाइक ठोक दिया करो। चलिए विष्णु भगवान, विष्णु भगवान काफी लोग जा रहे हैं। चलिए अब ये सवाल देखने को आसान है लेकिन पेपर में गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अंकुत अमल यादा, जल्दी से बताइएगा भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। अमुत अमल यादा, जल्दी से बताइएगा भाई कौन है इसका ऑथर। देखो ये वाला और ये वाला व्यक्ति विजयनगर एम्पायर से जुड़ा, यस ये विजयनगर एम्पायर के फाउंडर है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन पिछली बार CHSL में पूछा गया था। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, तुम तैयारी तो तुम्हारी एक लेवल बनी हुई है, बढ़िया है ना, एक नंबर तैयारी बनी। अच्छा कुछ लोग जो डी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है कृष्णा देव राय, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अच्छा ये किसके लिए, ये जो पोएम है ये भैया याद रख लीजिएगा विष्णु जी के लिए गाई गई है, विष्णु जी से रिलेटेड है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभाष्य। ये सवाल 20-25 बार रिपीट है, 20-25 बार रिपीट सवाल है। महाभाष्य वॉज रिटन बाय हूम, चलिए बता दो भाई जल्दी से, महाभाष्य किसने लिखा है, गार्गी मन्नू बाना और पतंजलि, करेक्ट आंसर। एकदम आसान सवाल भाई एकदम आसान, चलिए बिल्कुल सही जा रहे हो बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर डी रहेगा, करेक्ट आंसर। हर्ष चरित्र किसने लिखा सर, ये भी बहुत बार आ चुका है, हर्ष चरित्र किसने लिखा था, करेक्ट आंसर क्या रहेगा। हर्ष चरित्र जल्दी से बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, किसने लिखा था हर्ष चरित्र, जल्दी से बताइएगा। ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, फटाफट से बताओ। हाँ इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बाण भट्ट, बिल्कुल करेक्ट है बाण भट्ट, एकदम सही आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ड द फेमस वैकुंतु परिमल टेम्पल एट कांचीपुरम। अब देखने में क्वेश्चन कितना जबरदस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार ये क्वेश्चन तो जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। यस सर नो, कितने बच्चे हैं जो पहली बार इस सवाल को देख रहे हैं, फटाफट से बताए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस सवाल को देख रहे हैं, फटाफट से बताओ कितने बच्चे पहली बार इस सवाल को देख रहे हैं। बी ए काफी कंफ्यूजन भरा चल रहा है, बहुत बढ़िया, पहली बार जो देख रहे हैं इस सवाल को, चलिए गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग, फर्स्ट टाइम। अच्छा मैं बता दूं सर प्रीवियसली ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, और ऐसा नहीं कि मैं कोई PCS एग्जाम के बारे में बात करूं, SSC एग्जाम्स में रिपीट है, यानी CPO CHSL और CGL इनमें रिपीट हो चुका है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नंदी वर्मन सेकंड। लो भाई अब कल पेपर में जब सवाल आता है तो हम यूं नहीं कह सकते यार ये बड़ा मुश्किल सवाल आ रहा है, ये पहले नहीं आया हुआ, सवाल पहले के ही होते हैं, हम लोग पढ़ के नहीं जाते, ऐसा नहीं है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं बनता है, हमेशा मैं आज से नहीं कह रहा हूं, जब से तुम लोगों से जुड़ा हूं मैं ऐसा बोलता हूं अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो भैया 10 से 15 के बीच तो ऐसा है जो प्रीवियसली क्वेश्चन से डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट का मतलब है एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है एज इट इज देखने को मिल जाता है। करंट अफेयर का अब हम देख के चल रहे हैं भाई, 8 से
10 क्वेश्चन के बीच किसी किसी पेपर में करंट अफेयर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए करंट अफेयर ठीक ठाक आ रहा है, करंट अफेयर ओके आ रहा है, स्टैटिक भी ओके आ रहा है, कुछ एक क्वेश्चन अलग है, बच्चे बना रहे हैं सवाल, बना रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। 20 प्लस काफी बच्चे मेरे जानने वाले हैं जो 20 प्लस आराम से करके आए हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस जैन सेंटर एट इन साउथ इंडिया इज सिचुएटेड एट, वेरी इजी क्वेश्चन, चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है, जल्दी से भाई करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट से बताओ करेक्ट आंसर क्या रहने वाला, डी आ रहा है। देखो ये क्वेश्चन सब लोगों को पता है। अच्छा कौन गया था भाई, श्रवण बेले बोला कौन गया था, किसने जाके अपनाया था वहां पर जैन धर्म को, जल्दी से ये भी बता दो, करेक्ट आंसर डी है, कमेंट सेक्शन में बताओ भैया कौन गया था वहां पर जिसने जैन धर्म को अपनाया था, करेक्ट आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी आंसर करते रहे भाई, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने एकदम भर दिया है, वेरी गुड भाई। जब आप लोग खुद आंसर किया तो कमेंट सेक्शन में देखा करो कितने बच्चे जा रहे हैं सही लाइन पर, ठीक है। उपगुप्ता ने बिल्कुल भाई, चंद्रगुप्ता एकदम सही है। अच्छा यहां पर भैया आपसे अगर पूछा जाए यहां पर किसका स्टैचू देखने को मिलता है, किसका स्टैचू देखने को मिलता है, तो याद कर लीजिएगा ये सवाल भी आ चुका है, गोमतेश्वर का। चलिए भाई यहां पर किसकी पूजा होती है, बाहुबली की, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा भाई। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक रोमन आर्ट किस जगह पर पाए गए भाई, एलोरा, गंधारा, कलिंगा, बुद्धिस्ट। चलिए भाई करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, ग्रीक रोमन आर्ट। मैं लगातार इनसे क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने पेपर में देखे हैं, मैंने पेपर में देखे हैं, इसलिए जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सारे बच्चे सही जा रहे हैं, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एलोरा जो कर रहे हैं वो गलत है, गंधारा एकदम सही है, गंधारा एकदम सही है, करेक्ट आंसर रहेगा ग्रीक रोमन आर्ट। रट लो, सीधा सीधा स्टैटिक का पोर्शन है, पेपर में ऐसे कैसे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजोर, रिपीटिव सवाल, ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल क्या होगा आंसर बताओ जरा, हु बिल्ड बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजोर, करेक्ट आंसर आदित्य चोला, राजराजा चोला, राजेंद्र चोला और करिकाला चोला। अच्छा इसको ना एक और नाम से जानते हैं, राज राजेश्वरा टेम्पल, ठीक है, बृहदेश्वरा से याद रखेंगे, राज राजा एकदम सही है, इसी को किस नाम से जानते हैं, इसी को जानते हैं राज राजेश्वरा टेम्पल, याद कर लीजिएगा, इसके नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी, याद रखेंगे। आगे बढ़ते अगला सवाल, क्वेश्चन है, अजंता अलोरा की जो पेंटिंग है वो किसका आर्ट डिस्क्राइब करते हैं, किसकी डेवलपमेंट डिस्क्राइब करते हैं, चलिए जल्दी से बताए, द पेंटिंग ऑफ अजंता अलोरा केव्स आर इंडिकेटिव ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट अंडर द रक्षकूटा है, पलवाज है, पांड्याज है, चोलकिया है, करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए एक और बढ़िया सवाल, अजंता अलोरा, ठीक है, खजुराहो, ये ऐसे हॉट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता है, जहां से क्वेश्चन बनता है। चलिए भाई काफी लोग रक्षकूटा कह रहे हैं, वेरी गुड यार, वेरी गुड, चलिए भाई बहुत बढ़िया। अच्छा एक एक चीज तो मैं देख रहा हूँ यार, यहाँ पे जैसे तुम लोग आंसर कर रहे हो, उम्मीद कर रहा हूँ पेपर में भी ऐसी आंसर कर रहे होगे, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर ही रहेगा। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल फिर वहीं से रिलेटेड आ गया, रक्षकूटरा रूलर फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट अलोरा कौन। अभी हमने देख लिया रक्षकूटरा के बारे में, इनकी डेवलपमेंट दिखाई जा रही है, लेकिन अब पूछ लिया भैया फेमस पर्सनैलिटी का नाम भी बताओ। चलिए करेक्ट आंसर क्या रहने वाला, ये क्वेश्चन में लगातार वो लेकर आ रहा हूं जो रिपीटिव हद से ज्यादा हो रहे हैं। चलिए कृष्णा फर्स्ट एकदम सही है, याद रख लीजिए, रक्षकूटरा से अगर एलोरा से पूछा गया है तो पहला आंसर ये और दूसरा कृष्णा सेकंड, कृष्णा फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मोस्ट ऑफ द चोला टेम्पल वर डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेटेड है, क्वेश्चन बड़े आसान आसान है, एक बार आपने पढ़ लिया तो बात बन जाएगी, ठीक है। पार्शियलिटी, अमित कुमार कह रहे हैं सर पार्शियलिटी है भाई, हमने सीजीएल का पेपर देखकर तो इनके ऊपर आए हैं कि यार ये क्वेश्चन से आ रहे हैं बार बार सवाल। चलिए करेक्ट आंसर बी है, विष्णु पे लगा रहे हैं काफी लोग टिक, चलिए करेक्ट आंसर बहुत बढ़िया, जो लोग विष्णु पर जा रहे हैं करेक्ट आंसर, आज के बाद याद रखिएगा शिवा होगा, आज के बाद याद रखिएगा शिवा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन है, वेयर इज लिंगराजा टेम्पल लोकेटेड, अगेन इजी क्वेश्चन, लिंगराजा टेम्पल कहां पर है फटाफट से बताइएगा, लिंगराजा टेम्पल कहां पर लोकेटेड है। चलो जी
ये सारे क्वेश्चन हम थोड़ा तेजी में कर रहे हैं क्योंकि मुझे ज्यादा क्वेश्चन टच करवाने हैं आप लोगों को। ए आंसर भुवनेश्वर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जिन जिन बच्चों का ए आंसर है, करेक्ट आंसर सी रहने वाला है। करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? सी रहने वाला है। भाई साउथ के ज्यादा टेम्पल हम शिवा के देख रहे हैं, यस शिवा के टेम्पल बहुत ज्यादा है साउथ में, ऐसा नहीं विष्णु के नहीं है बट शिवा के ज्यादा है। चलिए अगला सवाल। सेवन पगोडा ऑफ महाबलीपुरम आर अ विटनेस टू द आर्ट पेट्रोनाइज्ड बाय। चलिए भाई सात पगोड़ा आपको बताने, ये क्वेश्चन रिपीटिव है बहुत ज्यादा। सात पगोड़ा जल्दी, पलवा पांड्या चोला चेरास, करेक्ट आंसर क्या होगा? आसान है सवाल। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पलवा रहने वाला है। चलिए पलवाज एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। कितने आवर्स की क्लास है आज? कोशिश करेंगे एक ही घंटे की रखेंगे, कल वाला सेशन थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, शेर शाह। अब पहला हमने आर्ट एंड कल्चर देख लिया, पूरा आज का सवाल हमने कुछ 25-26 सवालों को देखा है जो आर्ट एंड कल्चर से। दूसरा क्वेश्चन जो सीजीएल में आ रहा है वो आ रहा है बैटल से, यानी कौन हारा, किसको हराया, कैसे किया, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, शेर शाह डिफीटेड हिमायू एंड कैप्चर्ड गोर इन द बैटल ऑफ। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम क्वेश्चन करवाऊंगा यार मैं, बिल्कुल करवाऊंगा मैक्सिमम क्वेश्चन। चलिए करेक्ट आंसर क्या है? 1539, काफी लोग 1539 पर जा रहे हैं। चलिए बी आंसर है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो चौसा और कन्नौज दो ही तो लड़ाई है, चौसा और कन्नौज दो ही लड़ाई है। अब मुझे जल्दी से ये बता दो कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी, कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी ये भी बता दो। चलो जल्दी से तो कन्नौज की लड़ाई कब हुई, चौसा और कन्नौज दो ही है, 1539 और सेकेंड लड़ाई कब थी भाई? एक साल बाद, एक साल बाद, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फोर्ट बिटवीन। अच्छा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई, क्वेश्चन पहला ये आ सकता है कब हुई, तो आप लोगों को ईयर याद रखना है। दूसरा किन के बीच में, ये भी याद रखना है, करेक्ट आंसर बताइएगा सर। चलिए ये भी बताइएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ और किन के बीच में हुआ, क्या होगा करेक्ट आंसर? 1576, एक बच्चे का आंसर आ गया है 1576, बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, एकदम सही, ठीक है। अकबर और राणा प्रताप के बीच, ये भी एकदम सही, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किन किन के बीच में, तो आंसर क्या होगा? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि पानीपत का पहला युद्ध पूछा जा चुका है, सेकेंड हम लोग पूछ लेते हैं, जल्दी से बताइएगा 1556 में किन किन के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। चलिए दूसरे युद्ध का बता दो फटाफट। मानसिंह रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल सही सर, हेमू अकबर के बीच में, हेमू और अकबर के बीच में, बिल्कुल सही है। हेमू को किस टाइटल से जाना जाता है, हेमू को किस टाइटल से, तो आंसर होगा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य याद रख लीजिएगा, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैटल ऑफ दिल्ली वॉज फोर्ट इन द ईयर। लो भाई एक और तड़कता भड़कता सवाल आ गया, बैटल ऑफ दिल्ली, या मैं इसको बोल दूं बैटल ऑफ तुगलगाबाद। चलिए भाई फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताओ करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बैटल ऑफ दिल्ली या बैटल ऑफ तुगलगाबाद, बताओ भाई कब हुई। लो भाई एकदम नया सवाल, अब आप कहोगे सर नया सवाल, नहीं भाई प्रीवियसली आस्क्ड, पहले पूछा गया है, पहले पूछा गया है। चलो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। लो भाई करेक्ट आंसर 1556 रहेगा, ठीक है। अगर पूछ ले किन किन के बीच में, तो आंसर क्या रहने वाला है, आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से बताओ। ये भी हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, हेमोर किसके बीच में, अकबर के बीच में, याद रखेंगे। चलो यहां पे कई बार पूछ लेते हैं भाई, यहां पे याद रख लिया तर्दी बेग है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन अकबर से ही पूछा था, अकबर और हेमो के बीच में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 1739 हु डिफीटेड द मुगल आर्मी एट द बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल में किसको, बताओ भाई बैटल ऑफ करनाल किसके बीच, 1739 की बात की जा रही है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताओ जरा। ए आंसर
बैटल सारी याद करके जानी है, बैटल से सवाल आ रहा है। नादिर शाह करेक्ट है। अच्छा ये बता दो, नादिर शाह और किसके बीच में हुआ था? कहीं मोहम्मद शाह तो नहीं था? याद रखेंगे, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। बिल्कुल सही। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। चले कुतुब मीनार से सवाल आ चुका है, कितने स्टोरी है? ये सवाल आ चुका है, 5 स्टोरी है। किसके लिए बनाया था? कुतुब बख्तियार खिलजी के लिए, खाकी के लिए बनवाया था। ये सवाल भी आ चुका है। अब पूछा जा रहा है किसने कंप्लीट करवा दिए थे, ये भी बता दो। किसने कंप्लीट करवाया ये बता दो। इल्तुतमिश कह रहे हैं, तुगलक कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो जो लोग तुगलक कह रहे हैं उनसे बस एक थोड़ी गुजारिश है, यहाँ पे याद कर लेना फिरोज शाह तुगलक होना चाहिए, फिरोज शाह तुगलक होना चाहिए, अदरवाइज इल्तुतमिश होगा। और इल्तुतमिश नहीं है तो फिर हम ऐबक को ढूंढेंगे। यानी मैं ऐसे बोलूँ, कुतुब मीनार की जो स्टार्टिंग है वो ऐबक ने करवाई थी, उसके बाद कंप्लीट करने वाला इल्तुतमिश था, उसके बाद कुछ स्टोरी गिर गई थी तो भैया फिरोज शाह तुगलक ने उसको कंप्लीट करवाया था, बाद में फिरोज शाह ने उसको कंप्लीट करवाया था। ठीक है, तो तीनों का ऐसे याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजत रंगनी वॉज रिटन बाय, किसने लिखा? रजत रंगनी वॉज रिटन बाय, अच्छा इनके नाम मैं ऐसे ले सकता हूं, ठीक है, जहां पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वहां पर, जहां पर एक किताब लिखी गई। जल्दी कल्हाना, एकदम सही है, कश्मीर, यहां पे याद रख लीजिएगा, कल्हाना एकदम सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। बीबी का मकबरा वॉज बिल्ड बाय, बीबी का मकबरा वॉज बिल्ड बाय, इजी सा क्वेश्चन है, आंसर कर दो जल्दी से। बीबी का मकबरा वॉज बिल्ड बाय, चल बीबी का मकबरा किसने बनवाया, फटाफट से बताइएगा। औरंगजेब, औरंगजेब, अच्छा मान लो औरंगजेब नहीं है, मान लो औरंगजेब नहीं, ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तब आंसर क्या होगा? औरंगजेब नहीं ऑप्शन में, आंसर क्या लगाओगे? नहीं है भाई ऑप्शन में, तो आंसर लगाएंगे हम लोग, आंसर लगाएंगे, ओके, जिंदा पीर ढूंढ लें तो आंसर लगाएंगे आजम शाह के ऊपर। यानी ये जो बीबी का मकबरा था ये औरंगजेब ने बनवाया था, लेकिन इट वॉज बिल्ड बाय आजम शाह, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका औरंगजेब होगा, ये नहीं होगा तो सेकंड नंबर पे इनको डालेंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे इनको डालेंगे। चल अगला सवाल देखते, प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ? प्लासी का युद्ध बड़ा आसान है, प्लासी का युद्ध किनके बीच में हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी, अहमद शाह, टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला और ये वाला अनूरुद्दीन खान, मतलब ये तो ऑप्शन ही हटा दो। चलो तीन ऑप्शन आप लोगों के सामने, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? चलिए सी आ रहा है, मुझे ना ईयर बता दो सर, ईयर, चलिए करेक्ट आंसर सी लगा दो। ठीक है लगा दिया, अब मुझे फटाफट से ईयर भी बता दो। चलिए करेक्ट आंसर रहेगा जून 1757। अगर वही मैं बक्सर का पूछ लूं तो आंसर क्या होगा? 1764। इलाहाबाद की संधि पूछ लूं तो क्या होगा सर? 1765। ये ऑर्डर आपको याद रख लेना है, पूछ लेगा पेपर में। ठीक है चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो स्टैब्लिश सरदा सदन। चलिए भाई सरदा सदन बताना है जो जनरली विडोज के लिए बनाया गया था। ये क्वेश्चन सर नया लग रहा है? यस इट वाज अ नया क्वेश्चन, नो प्रीवियसली आस्क, प्रीवियसली पूछा गया है। अब आपको बताना है सरदा सदन किसने शुरू किया, फटाफट से बताओ सरदा सदन किसने शुरू किया? मजेदार सवाल है, मजेदार सवाल, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। राणा डे आ रहा है, बहुत बढ़िया। रामाबाई आ रहा है, बहुत सही। चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जो लोग राणा डे पे जा रहे हैं गलत है, सरोजनी गलत है, दयानंद गलत है, करेक्ट आंसर दयानंद सरस्वती है। पेपर में इस बार पूछा गया था मूल शंकर जी के बारे में, ये इस बार CHSL का पहला, जो CGL का पहला शिफ्ट आया था उसमें सवाल आया था। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आ गया, बहिष्कृत भारत इनमें से शुरू करने वाले कौन व्यक्ति, बहिष्कृत भारत शुरू करने वाले व्यक्ति कौन? जल्दी से करेक्ट आंसर क्या रहेगा, फटाफट से करेक्ट आंसर दे, बहिष्कृत भारत। और भाई सेशन में मजा आ रहा तो लाइक ठोक दो सारे बच्चे, अगर सेशन में मजा आ रहा है, और मजा का मतलब क्या होता है,
आपको अगर मजा आ रहा है तो, ये वाला मजा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन लिख के बताओ, हाँ भाई मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो लाइक ठोक दो सारे बच्चे। वीर सवराकर कह रहे हैं बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जो लोग कह रहे हैं वीर सवराकर वो जान ले, करेक्ट आंसर बी आर अम्बेडकर होगा, 1927 की घटना है, याद रखेंगे 1927 की घटना है, ठीक है याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद रख लीजिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ बी आर अम्बेडकर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्याशोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय हूम। चलिए ये तो आसान सवाल है, सत्याशोधक, सत्याशोधक समाज, जल्दी भाई करेक्ट आंसर क्या रहेगा फटाफट से बताओ। चलिए लास्ट टाइम पर किस पर फोकस करें, लास्ट टाइम पर कोशिश करें यार, जो सिलेक्टेड सिलेक्टेड टॉपिक हैं, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार बस गो थ्रू हो जाओ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इसमें ये हुआ इसमें ये हुआ बस, ठीक है मोटा मोटा देखो, ज्यादा इनडेप्थ कहीं नहीं जाना। करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा ज्योतिबा फुले, अगर पूछे कब आया तो 1873 में आया था, याद रखिएगा, ईयर भी पूछता है आपसे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग बंगाल मूवमेंट। अच्छा मैं ये क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि भैया सोशल रिफॉर्म से क्वेश्चन आ गया है, और जब सोशल रिफॉर्म से क्वेश्चन आया है ठीक है तो हम लोग तैयार रहेंगे। करेक्ट आंसर बताइएगा, हाँ वो ही रिवाइज कर लो अभी तो। चलो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, देरोजियन होगा, इजी क्वेश्चन है लेकिन पेपर में आता है तो गड़बड़ कर जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लैंड इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट। भाई ये कैसा सवाल पूछ लिया, ऐसा रीजन बताओ जो ईस्टर्न कोस्ट पे और वेस्टर्न कोस्ट पे है। ये क्वेश्चन क्यों लेके आया, क्योंकि इस बार उड़ीसा से रिलेटेड एक सवाल आया था, ठीक है वहां पे आपसे घाट पूछा गया था। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, महाराष्ट्र लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, केरला लगा रहे, वेरी गुड। अच्छा मेरी बात सुनो जरा, बहुत आसान सवाल है, वैसे ही कंफ्यूजिंग करने के लिए सब ड्रामे किए जा रहे हैं। पुद्दुचेरी यहाँ पे, पुद्दुचेरी यहाँ पे भी है, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट, करेक्ट आंसर हो गया, ए आंसर एकदम सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, वेर इज सैडल पीक अंडेमान निकोबार आइलैंड पर लोकेटेड है, सैडल पीक कहां पर है, ग्रेट मिडल लिटिल नॉर्थ। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन सीएचएसएल में आया था इसलिए हम लोग कर रहे हैं। चलो जल्दी से करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहां पर फटाफट से बताओ, वेर इज सैडल पीक इन अंडेमान निकोबार सिचुएटेड, करेक्ट आंसर बताइएगा क्या रहने वाला है, नॉर्थ अंडेमान, कुछ लोग कह रहे हैं लिटिल अंडेमान, तो अब याद कर लीजिएगा आज के बाद जब भी कोई सैडल पीक से रिलेटेड सवाल आएगा नॉर्थ अंडेमान सही है, ठीक है नॉर्थ अंडेमान सही रहेगा। नेबरिंग कंट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, नेबरिंग कंट्री तैयार करके जाओ, कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है, आर्ट एंड कल्चर से सवाल है तैयार करके जाओ, बैटल से क्वेश्चन है तैयार करके जाओ, जो सीधे सीधे सवाल हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं तैयार करो, अवार्ड से रिलेटेड है तैयार करो, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है चीजें तैयार करो, ये टॉपिक जो आपको नंबर पक्का देने वाले हैं ठीक है, इन चीजों को रट लो, इन चीजों को नहीं छोड़ना है, सॉयल वाला टॉपिक नहीं छोड़ना है, रॉक्स वाला टॉपिक नहीं छोड़ना है, ठीक है पासिस वाला अभी तक देखने को नहीं मिला, पर पता नहीं क्यों इंटेंशन ऐसा लग रहा है मुझे एसएससी वालों की, ये पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखो देखने में कितना मजेदार सवाल है, क्वेश्चन है कच्चू थ्यू आइलैंड है वॉज सीडेड बाय इंडिया टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री 1974। अब ये क्वेश्चन देखने में नया लग रहा है लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सर आपकी पीडीएफ से काम हो जाएगा, पुरानी काम चल जाएगा, चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है फटाफट से, क्वेश्चन देखने में आसान है, प्रीवियसली आस्क है तो काम बनना चाहिए, ठीक है ए आंसर आ रहा है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का डी आंसर आ रहा है, अच्छा ज्यादातर लोग ए और बी के बीच में कर, मतलब तुक्का चल रहा है, ओवरऑल मानकर तुक्का चल रहा है, तो जिन जिन लोगों ने भाई मालदीव लगाया वो गलत है, म्यांमार लगाया गलत है, गलत है, करेक्ट आंसर श्रीलंका रहेगा। अब हम कहते हैं यार नए क्वेश्चन आ रहे हैं, नए क्वेश्चन नहीं होते बेटा, वो प्रीवियसली पूछे गए हैं, ठीक है जी आगे बढ़े अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम। चलो इजी सवाल पूछा बिल्कुल, मैंने कोई लोकेशन नहीं पूछा कि भोकर छा बताओ क्या बताओ, नहीं पूछा, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, जिन्होंने श्रीलंका बोला करेक्ट है, मैंने नहीं पूछा भोकर छा बताओ ना, अब आपसे बस इतना पूछा रहा रेंज के बारे में, रेंज से सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि काराकोरम से एक सवाल मैंने देखा था। चलिए डी आ रहा है, हिंदू कुश आ रहा है, अभिषेक गलत होगा, तिवारी जी गलती नहीं करनी है सर, ये सवाल आसान है। चलिए काराकोरम आ रहा है, बहुत बढ़िया, तो मैं बता दूं करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है,
ठीक है, जिन लोगों ने काराकोरम लगाया है या जिन लोगों ने हिंदू कुश लगाया, ये गलत ये गलत ये गलत, कैलाश पर्वत। अभी तो आप लोगों ने मुझे आंसर दिया था, अभी तो आप लोगों ने मुझे आंसर दिया, मानसरोवर कैलाश पर्वत लिखा था ना, तो गलती खुद ही कर रहे हो तुम लोगों ने, मुझे खुद ही बताया, खुद ही गलत कर रहे हो, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मेन कंपिटिटर ऑफ इंडिया इन जूट प्रोडक्शन। अब हमको दूसरी चीज ज्योग्राफी में जो देखनी है, हमें प्रोडक्शन से देखना है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर कौन कर रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से भाई, करेक्ट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश आ रहा है भाई। क्वेश्चन आसान है, अगर मैं आप लोगों से सिर्फ इतना पूछूं रबर की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो आंसर क्या रहेगा? रबर की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां हो रही है, तो आंसर क्या रहेगा? जल्दी से बताओ, रबर प्रोडक्शन फटाफट से बताओ, रबर प्रोडक्शन ज्यादा कहां हो रही है? बिल्कुल, बांग्लादेश हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग है, वेस्ट बंगाल को टक्कर मारता है। चलो, इंडोनेशिया, कर्नाटक, करेक्ट आंसर थाईलैंड हुआ, थाईलैंड हुआ, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन आया था ना थाई बॉक्सिंग, ये सवाल पूछा गया था कैरोलिना से, सवाल पूछा गया था, ये क्वेश्चन थाईलैंड से रिलेटेड सवाल आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट। अगेन क्वेश्चन वहीं से आते हैं जहां बार बार पूछा जा रहा है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन चीजों को कवर करना है। चलिए, मेलघाट टाइगर रिजर्व्स भाई कहां पर है, फटाफट से बताइए करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। चलो जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ए आंसर है, बहुत बढ़िया, ए आंसर एकदम सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो, ए करेक्ट आंसर है, ए आप लोग करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कियलादो घाना नेशनल पार्क, सब लोगों को पता है राजस्थान में है। पूछा ये जा रहा है कि इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। अगेन नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज, क्वेश्चन आ रहे हैं, तैयार करो उन्हें। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। कियलादो घाना नेशनल पार्क को पहले किस नाम से जाना जाता था, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? चलिए सी आ रहा है, बहुत इजी सवाल हो गया, करेक्ट आंसर सी रहेगा। ठीक है, कल वाली क्लास थोड़ा सा लंबी करेंगे, है ना, ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करना है क्योंकि परसों तो पेपर ही है, तो कोशिश करेंगे कल वाली क्लास एकदम मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आऊं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नमधापा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, तीसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, थर्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। चलिए सर जल्दी से बताइएगा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नमधापा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? चलिए बी आ रहा है काफी लोगों का, चलिए डी आंसर करेक्ट है, डी आंसर करेक्ट रहेगा, डी एकदम से सही है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्लास का टाइमिंग रहेगा कल के लिए, ठीक है जी, आप इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे, इस क्लास की पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करेंगे टेलीग्राम के थ्रू शेयर करते रहेंगे। ठीक है, बाकी आपको अपडेट एग्जामों से भी मिलती रहेगी। कल का सेशन थोड़ा सा लंबा सेशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि 100 प्लस क्वेश्चन हर हालत में करें, जितने भी मुझे ऐसा लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीजीएल से रिलेटेड, या तो 100 होंगे या 200 होंगे, आप लोग कल तैयार रहना। ठीक है, कल के दिन में थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाएंगे, है ना, कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करें, एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा कल, ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, मुझे क्वेश्चन टच करवाने हैं कि जो मुझे ऐसा लगता है यार यही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वहां ज्यादा कवर करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे, टॉपिक यही रहने वाला है सीजीएल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और सारी चीजों से कवर करूंगा, सारी जीएस से कवर करूंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आर्ट एंड कल्चर लूंगा या ये लूंगा, उसमें करंट अफेयर भी होगा, उसमें ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटी भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, साइंस भी होगा, तो कल वाला सेशन बड़ा धमाकेदार सेशन रहने वाला है और कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कवर करें। ठीक है, चलिए, और सेशन में मजा आया तो लाइक करिएगा, ठीक है, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर करें, जो भी आपके सजेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स क्वेश्चन कल होंगे सर। ठीक है जी, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको